ब्लैक एडम मूवी देखने से पहले इस मूवी और इसके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लो क्योंकि इसे जानने के बाद आपका फिल्म देखने का नजरिया भी चेंज हो सकता है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप सभी के लिए है मेरे पास एक दिवाली गिफ्ट आ आ बताऊंगा जरूर बने रही वीडियो में तो वेल well, हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी फैक्ट नंबर एक जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दैट वर्ल्ड वाइड ये मूवी रिलीज हो रही है इक्कीस अक्टूबर को प्रीमियर छोड़ दिए जाए तो लेकिन इंडिया में ये हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में एक दिन पहले ही रिलीज हो रही है दैट मीनस 20 अक्टूबर को टिकट बुक कर लो नहीं तो भर भर के स्पॉयलर्स मिलेंगे फैक्ट नंबर दो उली, लेट, उली लेट के फू के केफू उली फू, लेट के फू मुझे इस नाम का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता सॉरी बट इनका एक स्पेशल रोल होने वाला है अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई ये रॉक के तरह दिखते हैं एंड उड़ती उड़ती खबर ये है कि ये भाई साहब ब्लैक एडम मूवी में ब्लैक एडम के यंगर वर्जन का रोल करेंगे दैट मीन्स नो फेस सीजीआई वैसे इसके पहले भी इन्होंने रॉक के बायोग्राफिकल शो में उनके यंगर वर्जन का रोल किया है फैक्ट नंबर तीन ब्लैक एडम मूवी में एज ब्लैक एडम प्ले करने से पहले ही उन्होंने ऑलरेडी एक एनिमेटेड मूवी में ब्लैक एडम प्ले कर लिया है लीग ऑफ सुपर पेट्स के पोस्ट क्रेडिट में एज वॉइस रोल बट फैक्ट ये है कि सुपर पेट्स वाली मूवी ब्लैक एडम की रिलीज के बाद आने वाली थी फैक्ट नंबर चार कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो ओरिजिनल रिलीज डेट थी यानी 22 दिसंबर 2021 इसको चेंज करके पैंडेमिक के वजह ऐसी पोस्टपोन कर दिया था बट भाई लोग पैंडेमिक इसके पीछे का रीजन नहीं हो सकता क्यूँकी उस टाइम तक थिएटर्स खुल चुके थे बट द मेन रीजन वॉज उसके चार दिन पहले मार्वल की तूफान कमाई करने वाली फिल्म रिलीज होने वाली थी स्पाइडरमैन नो वे होम तो उस टाइम इस मूवी को रिलीज न करने का रीजन साफ है फैक्ट नंबर पांच ब्लैक एडम का रोल करने की इच्छा द रॉक ने यानी अपने ड्वेन जॉनसन ने दो में ही जता दी थी और उनकी इसी जेन्यून इच्छा के चलते आज वो ब्लैक एडम बन भी गए दिस इज कॉल्ड इच्छा शक्ति फैक्ट नंबर छह ब्लैक एडम एंड बिली बैटसन को कोजर्ट से ही पावर मिली है बट दोनों के पावर सोर्स ऑफ गॉड्स डिफरेंट है लाइक बिली बैटसन को ग्रीक गॉड से पावर्स मिली है विजडम की पावर्स मिलती है एस फॉर सोलोमन गॉड से स्ट्रेंथ मिलती है एच फॉर हर्क्यूलिस से स्टेमिना मिलता है ए फॉर एटलस से पावर मिलता है जी फॉर जूस से करेज मिलता है ए फॉर एचिल से और स्पीड की पावर्स मिलती है एम फॉर मर्क्यूरी गॉड से बट एट द सेम टाइम ब्लैक एडम की सुपर पावर्स इजिप्शियन गॉड से मिलती है जिसका एक्रोनेम भी सेम ही है यानी की शेजैम उसे सुपर ह्यूमन स्टेमिना और फिजिक्स मिलता है एस फॉर शू गॉड से सुपर स्पीड एंड फ्लाइट की पावर्स मिलती है एच फॉर हेरू गॉड से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है ए फॉर एम से सुपर ह्यूमन नॉलेज एंड हिप्नोसिस की पावर मिलती है जी फॉर जेहूती से इलेक्ट्रोकाइनेसिस एंड इंटर डायमेंशनल ट्रेवल की पावर मिलती है ए फॉर एटॉन गॉड से और सुपर ह्यूमन इनर स्ट्रेंथ मिलती है करेज के गॉड कहे जाने वाले मेहन से अब जैसे मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ उससे भी बेहतरीन और रियल फैक्ट्स है बर्मुडा ट्राइंगल के और पिरामिड ऑफ इजिप्ट के जिसे आप सुन सकते हैं कुकू एफ एम वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कुकू एफ इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें दस हजार घंटे से भी ज्यादा का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अवेलेबल है लाइक बायोग्राफी मोटिवेशनल सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी क्राइम हिस्टोरिकल और एजुकेशनल वो भी हिंदी मराठी इंग्लिश या ढेर सारी अदर रीजनल लैंग्वेजेस में वैसे तो इसका कॉस्ट थ्री पर ईयर है पर आपके लिए खास दिवाली ऑफर पच्चीस अक्टूबर ऐसी पहले मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक ऐसी कुकू एफ सब्सक्राइब करके मेरा कूपन कोड दिवाली फिफ्टी यूज करोगे तो आपको मिलेगा इनके इयरली सब्सक्रिप्शन पे फिफ्टी डिस्काउंट साथ ही दस लाख रूपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका जैसे कार गोल्ड कॉइन्स और वाउचर्स लेकिन याद रहे ये ऑफर 19th टू ट्वेंटी अक्टूबर तक ही वैलिड है तो आज ही डाउनलोड कीजिए कुकू एफ और बनाइए अपनी दिवाली कामयाबी वाली फैक्ट नंबर सात ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है है मतलब वो समाज में शांति लाना चाहता है, लेकिन तबाही और खून खराबा करके जिसके पीछे उसकी पास्ट हिस्ट्री जुड़ी हुई है जिसमे वो पहले गुलाम की जिंदगी जीता था जहाँ उसने अपने बेटे को शहीद होते हुए देखा अपनी बीवी को मरते देखा और उसी वजह ऐसी पावरफुल लोगो के लिए उसके मन में रेज की भावना है वो अपने आप को सबसे ताकतवर बना के रेज की वजह ऐसी सबको या तो गुलाम बनाना चाहता है या तो सबको खत्म करना जिसकी वजह से दुनिया में शांति लाने वाले सुपर हीरो खिलाफ है फैक्ट नंबर आठ ब्लैक एडम पहले शेजैम मूवी में ही अपियर होने वाला था एज अ विलन बट स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर ने मिलकर सोचा कि ना शेजैम और ब्लैक एडम दोनों की ओरिजिन स्टोरी को अलग अलग दिखाना चाहिए और शहजैम आई मीन धड़ाम एक और मूवी बन गई हमारे लैंग्वेज में बोले तो एक और कॉन्टेंट यू नो पैसा एंड मे बी शेजाम के नेक्स्ट मूवी में ब्लैक एडम ही विलन का रोल प्ले करे फैक्ट नंबर नौ ब्लैक एडम मिडल ईस्टर्न अफ्रीका के कंधाक से बिलोंग करता है जिसका ओरिजिनल नाम है टेथ एडम लेकिन एक दिन गुलामी से बाहर निकलकर टेथ एडम अपने फैमिली और बाकी लोगों को बचाने के लिए एक हीरोइक कदम उठाता है जिसकी वजह ऐसी वो चूज किया जाता है शेजाम की पावर्स के लिए और अपनी पावर्स की वजह ऐसी वो बाद में खन्दाक का रखवाला भी बन जाता है और फैक्ट नंबर दस इस फिल्म का मेन विलन होने वाला है सबैक अब सबैक भी शजैम नाम की तरह एक एक्रोनेम ही है यानी सबैक का भी एक फुल फॉर्म है और वो बनता है डेविल गॉड्स के नाम से एस फॉर सतन ए फॉर एम बी फॉर बेलियल बी फॉर बिल्जेब ए फॉर एसमोडस एंड सी फॉर क्रेटिस ये सारे डेविल्स है जो इस फिल्म के कैरेक्टर इसमाइल ग्रेगर को पजेज करके उसे इस फिल्म का विलन बनाएंगे दैट इज सबैक पूरे फैक्ट बताते वक्त कुछ प्रोनाशिएशन इधर उधर हो गए तो माफी एंड यही पर हमारे दस फैक्ट होते हैं खत्म लेकिन जाने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से कुको एफ डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड दिवाली फिफ्टी यूज करना न भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में बाय